जी ये जी लैम लग गए, कट लगा दिए हैं। अब इसको लगाएंगे मसाला, मैरिनेट। मैरिनेट करेंगे। अभी जब मैरिनेट करेंगे इसको तो ओवरनाइट रख देंगे, तो कल फिर इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज आपके सामने ये मैरिनेट करके दिखाएंगे। क्या कहते हैं यार इसे, बोलो। लैम लेग। लैम लेग जी, ठीक है जी। ये मसाले हैं सारे। जी, कौन कौन से? ये लाल मिर्च है, हल्दी है, ये कौन सा था, इलायची पाउडर, इलायची पाउडर है, काली मिर्च, गरम गरम मसाला, मसाला है, कुटी हुई कूटी हुई धड़ा मिर्च, और सूखा ये धनिया। सूखा धनिया, और ये लाल मिर्च आ गई। अच्छा, सारे इसको हो गए। घुमा के बताइए जाना है। नमक बताया दरमियान नमक, में नमक भी है अभी। अच्छा, नेक्स्ट मसाला जी ये जायफल जी, जलबत्री, उसका पाउडर है मिक्स। ठीक है। उसके आगे ये लहसुन अदरक लहसुन का अदरक पेस्ट, पेस्ट है, ठीक है जी। ठीक है। और ये लेमन जूस, लेमन जूस, और ये दही है, तकरीबन दही 1 कप ले लें, डेट विल बी एनफ। खट्टा दही हो जाता तो बेहतर। ये मेरा ख्याल है सारे मसाले दिखा दिए हैं, एक ही बार अब डाल दूं अंदर इसको, ठीक है ना, मसालों को। आप कर रहे हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भाई मिक्स, जाहिर है, क्या कहते हैं, मशवरा करना चाहिए, मशवरे से चीजें ठीक हो जाती हैं। ये पाउडर चलिए। डाल दिया जी जायफल जलबत्री का, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जी, लेमन जूस डाल दिया जी। इस सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारा मसाला मिक्स हो गया है, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लें, और इसको भी अच्छे तरीके से उसमें मिक्स कर लें मसाला अच्छी तरह इसमें। जी। ये सारा सही लग गया, और इसमें डाल दें लेम लेग में मसाला लग गया है, इसमें ये लेमन लगा दें। लेमन के पीस काटे हुए हैं इस तरह के, तो ऑप्शनल है, ये कोई लगाना चाहिए तो। इसमें लगाने हैं, लगा लें। आपको नहीं मिलता कहीं से या नहीं अवेलेबल, ना लगाएं। लेमन सबको मिल ही जाते बाज़ूकात नहीं भी मिलती ना कोई चीज़, तो ये इतने ज़रूरी नहीं है, टेस्ट के लिए हैं बस। ये रेडी है जी। अब इसको रैप करके रख देंगे फ्रिज में, कल निकालेंगे इसे। फिर भी। हाँ जी, रैप नहीं हो रही लो भाई जी, कम पै गया जे, वो की मसाला थोड़ा ज़्यादा पै गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इधर देखो मेरे, और हाँ जी, रैप करे ना, थोड़ा सा तो कवर ए किया। मसाला थोड़ा जहा पै गया ज्यादा, लेकिन इधर कोई मसला नहीं, इन्हों बिच रैप कर देंगे ठीक है। तो ज्यादा टेस्ट बनेगा। रैप थोड़ा जहा ज्यादा करना पड़ेगा। फाइनली हो ही गया। फाइनली असी कामयाब हो गए इन्हों रैप करन च, और सारा मसाला भी देखो जी, सारा मसाला भी ये बिच है, और इन्हों हुन फ्रिज रख दिता जाएगा, और कल इन्हों पकाया जाएगा। एज यू नो आई हैव डन रियली वेरी वेल, बिकॉज ऑल मसाला इज इन साइट, ये राइट। गुड जॉब। تسليما كثيرا. الله
slaughtered his son. The dream by your prophet is an order. So he comes to his son, Ya Bunay, in the era of the man. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबको ईद मुबारक। आज ईद है लीड्स में, और लैमलैग रोस्ट कल हमने मैरिनेट करके रख दी थी, आज इसको पकने के लिए रखेंगे ओवन में। ओवन में तो, और इसके साथ क्या क्या डालना जी मैडम, सोचा है आपने? आपकी रेसिपी आपने बताना। ये आलू को क्या किया? इनको थोड़ा मसाला लगा के रखा हुआ है, साथ में ये छोटे छोटे आलू हैं ये भी डाल देंगे। ये लें जी फॉइल पेपर है, ये फॉइल पेपर इसके ऊपर लगा के इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे ताकि जो स्टीम है वो स्टीम अंदर से ना निकले और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए।